पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश सरकार को जेब काटू सरकार कहकर सरकार की नियत में खोट बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राव दान सिंह, राव धर्मपाल सिंह, राव नरेंद्र सिंह, नीता यादव और संजय राव मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार चलाने के लिए नियत, नीति और नेता की जरूरत होती है और इस प्रदेश सरकार में ना तो कोई नेता है और ना ही कोई होगा। साथ ही उन्होंने जाट समुदाय द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को सलाह भी दी कि वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करें। तीन चीज जिस पार्टी में होगी वही आपका भला कर सकती है, क्या? पार्टी की नीति, पार्टी की नियत और पार्टी का नेता। आप ईमानदारी से बता दो, आज जो हरियाणा में सरकार बनी हुई है उसका नेता कौन है, किसकी चल रही है? अरे मैं बनाई बताती असलियत बताता हूं, किसकी चल रही है मैं बता दूंगा किसकी चल रही है। एक जब एक साल हो गया था इनको असेंबली में, मैंने एक सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री खड़ा होकर उसका जवाब देने का प्रयास किया। और ये शिष्टाचार है, मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पूर्ण रूप से ये सरकार बीमार है। तो अब भी मेरा ये है, कोई भी आंदोलन करे, आंदोलनकारियों से यही है, शांति प्रिय ढंग से करे, सरकार की नीयत ठीक नहीं सर। कुछ सरकार की नीयत आपस में भिड़ाने की वो रहती है, वो उसकी उसकी चाल में ना आए भाई। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।